अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं रात के 3:30 और इस समय शिबा इन्होंने बड़ा पंप दिखाया है, ऑलमोस्ट चार्ट से बिल्कुल ऊपर निकल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद फर्दर बात करते हैं क्यों ये पंप आया है और क्या ये इससे ज्यादा बढ़ने वाला है, और बात कर लेंगे क्या ये ईयर 2022 भी शिबा इनू का है। हर चीज पे गौर करते हैं, पहले चलते हैं स्क्रीन पर। मैं यहाँ पर वजीर एक्स के प्लेटफॉर्म पे हूँ और पहले देख लेते हैं शिबा की अपडेट। अगर आप देखेंगे डॉज कॉइन को तो उसने भी अच्छा खासा अपडेट दिखाया है, बट शिबा इनू ने इससे भी ज़्यादा एज अ मीम कॉइन की अगर बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया पम्प दिखाया है। ये रहा तो अराउंड 11:30 बजे के करीब सब कुछ नॉर्मल था, देन उसके बाद धीरे धीरे पम्प मैं नोटिस कर रहा था और ये पम्प कहीं भी नहीं रुका है, और ये मैक्सिमम जो मैंने देखा है ये वापस से अपनी 2 की सीरीज में आ चुका है, 2000 की सीरीज में। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 23% का इस समय था, बट अब धीरे धीरे जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं वो आउट हो रहे हैं और यहाँ पर 22% का एकदम से उछाल आया है। तो एक ही चीज़ बोलूँगा, एज एन मीम कॉइन काफ़ी जल्दी इसने अपने आप को अपग्रेड किया है। अब जान लेते हैं इसके रीज़न क्या है जो इतने जल्दी इसका पंप आया है। हेलो दोस्तों, आपका शिवम सिंह, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले शिबा इनू ने। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि शिबा इनू काफी ज्यादा डंप हुआ है और इसका कारण था मार्केट क्रैश, जहां पर बैन की न्यूज आई थी और बाकी सारी चीजें आई थी जिसने काफी ज्यादा हमको जो है डंप दिखाया था मार्केट में, और काफी ज्यादा कॉइन जो है डूबे भी थे और अब जो है धीरे धीरे मार्केट रिकवरी आया है। लेकिन रिकवरी करने का जो स्पीड है वो शिबा इनू ने सबसे ज्यादा दिखाया। तो सबसे पहले चेक किया मैंने ट्विटर के बाद मैंने चेक किया ब्लॉक्स, और फिर ट्विटर के बाद मैंने ट्वीट चेक किए एलन मस्क के और बाकी चीजों के, क्योंकि यूएस इस समय ओपन है तो मैंने वहां पे भी चेक किया, बट कहीं पे भी कोई रिप्लाई कमेंट या फिर कोई अपडेट फिलहाल शिबा इनू को लेकर या फिर कोई नई लिसनिंग नहीं आई है। ये जस्ट उनके इन्वेस्टर्स वापस आ गए शिबा इनू में। तो मैं एक चीज अच्छे से बोल सकता हूं, इस कुछ मार्केट क्रैश में मैंने एक चीज सीख ली है शिबा इनू को लेकर कि इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडली इसकी लिस्निंग इतनी ज्यादा हो रखी है कि लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, थर्ड कि ये नीम टोकन से एक ऊपर कॉइन बन चुका है। अगर मुझे कोई न्यूज दिख जाती या फिर मुझे कोई ट्वीट दिख जाता तो एटलीस्ट मैंने यूट्यूब पे भी सर्च कर लिया है, ब्लॉग्स पे भी कर लिया, आर्टिकल पे भी कर लिया, ट्विटर पे भी किया है ये वीडियो बनाने से पहले। ऑलमोस्ट हर जगह में चेक करने के बाद ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई कॉइन न्यूज या फिर किसी और चीज के कारण पंप होता है एक नीम टोकन, तो उसके बोल सकते हैं फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके इन्वेस्टर्स इतने परमानेंट नहीं है, उसके होल्डर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस कॉइन को वो लोग लंबे तौर पे होल्ड कर सके। बट इस चीज में अगर ऑटोमेटिक उसके होल्डर्स वापस आते हैं, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस पर ट्रस्ट करके बिल्ड करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब कॉइन पे हर इंसान का ट्रस्ट बना हुआ है और कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा इजाफा हो रहा है। और अगर कंपेयर करें डॉज कॉइन से तो डॉज कॉइन इस समय बढ़ गया है अराउंड 9%। उस जगह पंप जो दिखाया है एज अ मीम टोकन, मैं इसीलिए डॉज कॉइन को उससे कंपेयर कर रहा हूं, तो वो 20% से भी ज्यादा इस समय हाई पे चल रहा है, जैसे कि आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया। तो अगर आपने शिबा इनू होल्ड किया है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, उसको होल्ड करके रखो, क्योंकि ऐसी बहुत चीजें हैं जो अपडेट आने वाली है और धीरे धीरे जितना वो बर्न हो रहे हैं, कुछ और जगह पे लिस्निंग हो रही है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो पर्टिकुलर कंट्रीज में चलते हैं जहां पर अभी तक लिस्निंग नहीं हुआ है, वहां पर भी जब होगा तो अच्छे जब इंक्रीज होते रहेंगे होल्डर्स, उसके बाद बड़े बड़े पंप आपको देखने को मिलेंगे। और थोड़ा समय लगता है कॉइन को ग्रो होने के लिए, एज एन डॉज कॉइन को देखें तो 5 से 6 साल लग गए, तो आप 2 से 3 साल में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शिबा इनू आपके ऑलमोस्ट बताए हुए 1 रुपए वाले टारगेट को टच करेगा। टाइम लगेगा बट होगा, बस ये पंप देख के मुझे काफी खुशी हुई है। तो होपफुली आपको इस वीडियो ने मदद किया होगा, कहीं ना कहीं न्यूज जाने में आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आपको लग रहा है ऐसी इन्फॉर्मेशन इमीडिएट देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अगर आपको लग रहा है इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर करना है तो फ्री में कर दो शेयर बटन पे क्लिक करके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।